दोस्तों, अगर आप एक स्मार्ट टीवी लेने का प्लान कर रहे हो, एक 4K टीवी लेने का प्लान कर रहे हो, तो रुक जाइए, आपके डिसीजन में जोर से एक ब्रेक लगा दीजिए, क्योंकि सैमसंग ने लॉन्च कर ली उनकी नई 4K स्मार्ट टीवी। आज की वीडियो में उसी के बारे में बताऊंगा, और इस वीडियो में कुछ 5 ऐसे फीचर दिए हुए हैं जो एकदम यूनिक है, आपको कोई भी ब्रांड ये फीचर्स नहीं देने वाला, तो आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट किए हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिसके वजह से सारे नोटिफिकेशन आपको आते रहे जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस टीवी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि सैमसंग का एक कैंपेन चल रहा है जिसका नाम है अनबॉक्स मैजिक एवरीडे। इस कैंपेन के तहत ये एक 4K टीवी लॉन्च की है, फुल एचडी टीवी लॉन्च की है, और इसका जो वेरिएंट है, मतलब 24 इंच से इसका चालू होने वाला है एचडी टीवी, फुल एचडी टीवी, और ये 82 इंच तक जाने वाला है। और इसकी जो बेसिक प्राइस है, मतलब स्टार्टिंग प्राइस रखी हुई है 24,900 रुपए के आसपास है, मतलब 25,000 में आपको फुल एचडी टीवी सैमसंग देने वाला है। और अवेलेबिलिटी के लिए अगर बता दो, तो ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन और सैमसंग के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर में देखने मिल जाएगा। और अब मैं बात करता हूं इसकी यूनिक फीचर्स के बारे में, जो 5 ऐसे यूनिक फीचर्स दिए जो आपको अदर ब्रांड में कोई भी नहीं देता, और जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं। तो दोस्तों, पहला फीचर है पर्सनल कंप्यूटर का। तो पर्सनल कंप्यूटर के फीचर के थ्रू होता क्या है कि आपका ये जो टीवी है सैमसंग का, सिर्फ इसमें आप एक्सटर्नल माउस लगा दो और एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा दो, बस उसके बाद ये जो आपका टीवी है पूरा कंप्यूटर का एक रूप ले लेगा। तो आपको अगर कंप्यूटर में समझ लो कुछ प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आप इस टीवी पे आप बैठे बैठे प्रेजेंटेशन बना सकते हो, आपके ऑफिस के लिए, या फिर स्कूल, बच्चों के स्कूल के लिए, या फिर कोई भी काम के लिए आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। अब उसके साथ ही साथ आप एमएस वर्ड भी एक्सेस कर सकते हो, तो एमएस वर्ड में आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनाना चाहिए तो बना सकते हो। आपका रिज्यूमे अपलोड करना है, रिज्यूमे बनाना है, तो आप उसके थ्रू भी बना सकते हो। दूसरा फीचर होगा इसी पर्सनल कंप्यूटर के अंदर कि आप रिमोट एक्सेस का। तो रिमोट एक्सेस के थ्रू होता क्या है कि समझ लो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कुछ इमरजेंसी आ गई और आपको घर आना पड़ा, लेकिन आपको घर आने के बाद भी काम करना है, तो घर आने के बाद काम करने के लिए आपको वो डेस्कटॉप पे कनेक्ट करना है, तो आप इसी टीवी के थ्रू आप रिमोटली एक्सेस कर पाओगे आपके डेस्कटॉप के, आपके ऑफिस का जो डेस्कटॉप है उसको रिमोटली एक्सेस कर लो और आपका काम कंटिन्यू करो। बस इसमें एक ही कंडीशन है कि वो नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए, वो स्विच ऑन होना चाहिए, और उसमें विंडोज 10 होना चाहिए। बस ये 3 कंडीशन फुलफिल होंगे तो आप इजीली आप रिमोटली एक्सेस कर पाओगे आपके डेस्कटॉप के, मतलब आपका ऑफिस का अगर डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, कुछ भी होने, तो कोई भी मशीन होने, तो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। इसी के साथ साथ पर्सनल कंप्यूटर के फीचर के अंदर एक और आपको फैसिलिटी मिलती है वायरलेस कनेक्शन की, मतलब आपके वायरलेस कंटेंट शेयरिंग की, जिसके थ्रू आपका जो लैपटॉप का कंटेंट आप चाहते हो कि बड़े स्क्रीन पे दिखा हो, तो वायरलेसली आप इसको दिखा सकते हो कंटेंट को, आपका जो लैपटॉप का कंटेंट है टीवी में डायरेक्टली प्ले हो जाएगा। अब दूसरा फीचर के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है म्यूजिक कम्स अलाइव। अब इस फीचर में सैमसंग क्या बोल रहा है कि आप इस फीचर को यूज करो, आपका जो टीवी का स्क्रीन है, जो यूआई है, पूरे की तरह पूरा का पूरा कंप्लीटली एकदम चेंज हो जाएगा वर्चुअल म्यूजिक सिस्टम की तरह, मतलब आप स्क्रीन पे जो इमेज देख रहे हो इसी की तरह वो रूप ले लेगा। उसके बाद आप इसमें काफी ऑडियो एडिटिंग कर सकते हो, एडिटिंग करने के बाद अच्छे से आप सुन सकते हो, उसका जो एक्सपीरियंस होगा ऑडियो क्वालिटी का एकदम भी बहुत ही बहुत अच्छा होने वाला है इस फीचर के थ्रू। और इसमें आपको अलग अलग इसका लुक मिलेगा, मतलब आप अलग अलग टेम्पलेट्स मिलेंगे, अलग अलग स्किन्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप चेंज कर सकते हो, आपको जो पसंद आए आप वो सिलेक्ट करके हमेशा के लिए यूज कर सकते हो। तो ये एक अनोखा फीचर सैमसंग की तरफ से। और दोस्तों, तीसरा फीचर होगा वर्चुअल क्लाउड का। तो वर्चुअल क्लाउड फीचर के थ्रू होता क्या है कि आपका जो मोबाइल फोन है, आपका जो स्मार्टफोन है और आपका टीवी, दोनों को एक बार सिंक करना है, उसके इनिशियली कुछ सेटअप होंगे, एक बार आप सिंक कर लीजिए, उसके बाद आपके जो फोन का डेटा है, फोटो ले लो, वीडियोस ले लो, सारे के सारे आप देख पाओगे आपके स्मार्ट टीवी में। और जब भी आपका कुछ नया फोटोज आता है या नए पिक्चर्स क्लिक करते हो और आप बाहर से घूम के आते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके टीवी में बैकअप हो जाएगा। तो अगर आपका, मान लीजिए अगर आपका डेटा फोन से डिलीट भी हो जाता है, लेकिन आपका टीवी में आपके अवेलेबल रहेगा, तो यहाँ पे आपको एक बैकअप फीचर मिल रहा है इस टीवी में। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो कि अगर आपका जो फोटो है या वीडियो है सेफ है या सिक्योर्ड है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके फोटोस एकदम क्लियरली सेफ और सिक्योर्ड सैमसंग के क्लाउड पे रखे हुए, तो आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और उसका कोई भी मिसयूज नहीं होने वाला, ये क्लियरली मेंशन है सैमसंग के टर्म्स एंड कंडीशन में, तो आप
बेफिक्र रह के फोटोज बैकअप कीजिए। अगला जो फीचर है बहुत बहुत मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, जो है लाइव कास्टिंग का। तो इसके थ्रू क्या होता है कि आप जो है लाइव कास्ट कर पाओगे, लाइव स्ट्रीम कर पाओगे आपके मोबाइल फोन का कंटेंट आपके डायरेक्टली टीवी में। तो इस फीचर को आप यूटिलाइज कैसे करोगे? तो मान लीजिए आप कोई फॉरेन कंट्री में घूमने गए या फिर कहीं पे गए जहां पे आपको चाहिए कि ये जो मैं देख रहा हूं इस समय, जो सामने मेरे सामने परफॉर्मेंस चल रहा है या जहां पे मैं घूम रहा हूं, ये मैं शेयर करूं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी अगर आपको शेयर करना है तो आप आराम से शेयर कर पाओगे इस फीचर के थ्रू, और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कनेक्टिविटी इशू नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे सैमसंग की तरफ से, जो लाइव स्ट्रीमिंग का है। और आप और आपके फैमिली मेंबर्स एक साथ में इस फीचर के थ्रू उस मोमेंट को अच्छे से इंजॉय करेंगे। पांचवा और जो लास्ट फीचर है इस टीवी का, टू वे शेयरिंग का। तो इस टू वे शेयरिंग के थ्रू होगा क्या कि आपका जो टीवी का कंटेंट है आप स्मार्टफोन में देख पाओगे। पहले क्या होता था, स्क्रीन मिररिंग के थ्रू हम हमारे फोन का जो डेटा है या फोन का जो कंटेंट है आप टीवी में देख पा रहे थे, लेकिन अब टू वे शेयरिंग में क्या होगा कि आपका जो टीवी का डेटा है आप फोन में देख पाओगे। आप चाहे कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इजीली आप कंटेंट, आपका जो टीवी का कंटेंट है आप फोन में देख पाओगे। तो ये टू वे शेयरिंग के थ्रू आपको काफी अच्छा एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी आपको कंटेंट देखने के लिए। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये ऑफिशियल एंड्रॉइड टीवी नहीं है, तो इसमें आपको अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जियो सिनेमा और बाकी जितने भी कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं सब कुछ परफेक्टली चलने वाले हैं और इस टीवी में प्रिंटशॉट आपको देखने मिल जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया कि इसके अलग अलग प्राइस, इसके अलग अलग वेरियंट, तो ये 24 इंच से स्टार्ट हो रहा है, 82 इंच तक जाने वाला है। इसकी जो बेसिक प्राइस रखी है 24,900 रुपए, मतलब 25,000 रुपए के आसपास आपको फुल एचडी टीवी मिलेगी। उसके अलावा 43 इंच, 55 इंच में आपको 4K टीवी देखने मिल जाएगी सैमसंग की तरफ से, ये अनबॉक्स मैजिक एवरीडे के कैंपेन के तहत। और अगर आप ये टीवी परचेस करना चाहते हो तो आपको ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे ले लीजिए, उसके अलावा ऑफलाइन में सैमसंग के जो ऑफलाइन ऑफिशियल ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं वहां पे भी आपको देखने मिल जाएगी, तो वहां पे से जाके आप परचेस कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको इस टीवी से लेकर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप ही के लिए हमेशा ओपन रखता हूँ। दोस्तों इस टीवी के अलावा अगर आपको कोई भी टीवी लेने में कंफ्यूजन है, मतलब अदर ब्रांड में जैसे वीयू हो गया, जेवीसी, थॉमसन, एमआई या फिर जो भी बजट ब्रांड है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मैंने काफी वीडियोज बनाए हुए, यहाँ पे लिंक आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दे रहा हूँ, वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, तो आप ये सारे वीडियोज देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर देना, और इस वीडियो जो आप देख रहे हो अभी के अभी लाइक कर दो, सबसे पहले इस वीडियो लाइक कर दो। और अगर आपको हमारे फैमिली में जुड़ना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा के एकदम ग्रे कर दीजिए, और उसी के साथ साथ आपको एक घंटी वाला आइकन मिल गया, टन टन बजा दीजिए। और आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, हैप्पी गाइड, बाय बाय। इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आईडी है हैप्पी गाइड। मिलता हूं अगले वीडियो में।